इस बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने ये सिंगल धागे से फंदे डाले हैं और हम चार सिलाई, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टी बनाकर चार सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है, इसे हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। पूरी सिलाई को ऐसे हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है, मैं आपको ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर दिखाती हूँ, सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। पूरी सिलाई दूसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है, इसे हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। मैंने पूरी सिलाई को उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई को भी फ्रेंड्स, हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई, तीसरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी चौथी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को फ्रेंड्स, हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई है, पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी पांचवी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये कैसी बनाई जाएगी। इसी सिलाई से हमारा ये कट वाला बॉर्डर तैयार होगा। पहला फंदा सीधा, धागा आगे किया, दो फंदों का ऐसे इकट्ठा हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पर जाली आएगी, दो फंदे का एक हुआ तो हमारा फंदा एक घटगा, तो हमारा ही जाली से एक फंदा फिर बढ़ गया, फंदे उतने के उतने रहेंगे। फिर से धागा आगे किया, दो फंदों का ऐसे एक फंदा बनाया, फिर से धागा किया आगे, फिर से दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा ये सीधा बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से ऐसे दो फंदों का एक फंदा सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई को फ्रेंड्स, हम ऐसे ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। धागा आगे करेंगे, दो फंदों का एक फंदा, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा, फिर से धागा आगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा, फिर से धागा आगे, फिर से दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागा आगे, फिर से दो फंदों को इकट्ठा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से दो फंदों को इकट्ठा सीधा बनाएं। इसी तरह से हम अपनी पूरी सीधी सिलाई है और पांचवी सिलाई को बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस सिलाई में हमारी जाली आएगी। इस सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी छठी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को फ्रेंड्स, हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। छठी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है।
ये हमारी इस तरह से जाली बन गई। अब चार सिलाई और हम जैसे मैंने यहाँ पर सीधी तरफ से सीधी बुनी थी उल्टी तरफ से उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने पहली दूसरी तीसरी और चौथी सिलाई बुनी है इसी तरह से हम चार सिलाई यहाँ पर बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये मैंने ऊपर भी चार सिलाई बुनकर सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली। ये हमारी इस तरह से जाली बन गई है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, पीछे से यहाँ पर लेके आएंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कैसे करेंगे, पहले फंदे को लेंगे और पीछे से हम जो हमारा यहाँ पे पहला फंदा था ये वाला, इस फंदे को लेके हम ऐसे एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमने एक फंदा सीधा बनाया। अब फिर अगले वाले में इसी तरह से हम अगला फंदा फिर से उठाएंगे, हम ये वाला फंदा फिर से हम इन्हें इकट्ठा दोनों फंदों को इकट्ठा सीधा बनाएंगे। फिर से हम एक फंदा ये लेंगे और इससे अगले वाला फंदा लेंगे ये वाला, फिर से हम सीधा फंदा बनाएंगे और इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर अगले वाला फिर से हम ये वाला फंदा उठाएंगे और इसे इकट्ठा साथ में सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगले वाला इस तरह से फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से अगले वाला फिर से इसे स्लिप करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपनी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये इस तरह से कटवल वर्क वाला बॉर्डर तैयार होगा। फिर से हम अगले फंदा ऐसे उठा लेंगे, फिर से इसे हम इकट्ठा सीधा बुनेंगे। फिर से फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से अगला, इसी तरह से एक फंदा आगे से और एक यहाँ नीचे से लेते जाएंगे और अपना बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक फंदा नीचे से उठाएंगे और इसे इस तरह से सीधा इकट्ठा बुन लेंगे, एक यहाँ से और ये फंदा जो नीचे वाला है यहाँ से उठा के इसे भी ऐसे सीधा बनाएंगे और इस फंदे में से भी निकाल लें। फिर से एक फंदा सिलाई वाला, एक फंदा नीचे से लेंगे और इन्हें सीधा बुन लेंगे। एक फंदा ये लेंगे और एक फंदा यहाँ से लेंगे, ये वाला पीछे से,
इन्हें हम इकट्ठा सीधा बना लेंगे। सलाई में से निकाल देंगे। जो लास्ट का फंदा है इन्हें हम ऐसे सलाई में डालेंगे और पीछे से ऐसे इस वाले फंदे से इकट्ठा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। ये हमारा बॉर्डर बनकर कंप्लीट है। अब हम उल्टी साइड से फ्रेंड्स पूरी सलाई को उल्टी उल्टी बना लेंगे इस तरह से। पूरी सिलाई को हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी सीधी सिलाई की तरफ और अगली सिलाई। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पैटर्न का बॉर्डर बनकर इस तरह से तैयार है। इस तरह से हमारा ये बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर बन गया है। अब अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।